नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का मॉक टेस्ट। ये हमारी मॉक टेस्ट की तीसरी सीरीज है इस सब्जेक्ट पे बेस्ड। अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और उन वीडियोस को देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट माना जाता है, तो आप मॉक टेस्ट को जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस मॉक टेस्ट का नियम तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने प्रश्न लिए हुए हैं कुछ, ठीक है। तो आप हर एक सही प्रश्न पे आप अपने आप को एक नंबर देंगे, यानी एक अंक देंगे। तो आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और आपने जितने भी नंबर गेन करेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने नंबर गेन किए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये है कि जलीय पौधा नहीं है। तो दोस्तों, आप ऑप्शन पढ़िए, सिंघाड़ा, कमल, हाइड्रिला और सरसों। तो आप ऑप्शन पढ़िए। अब मैं अपना सही ऑप्शन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं सही आंसर बताता हूँ कि जलीय पौधा कौन सा नहीं है। तो सरसों का जो पौधा होता है वे जलीय नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो आप अपना सही उत्तर चूज कर लीजिए, गुलाब, कमल, रेफ्लेसिया या गुड़हल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपनी कॉपी मार्क कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेसिया। अगला देखते हैं दोस्तों, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष होते हैं। तो समुद्र के किनारे कौन से वृक्ष उगते हैं, जलोवृद्ध, मरुस्थलीय, लवणोद्भिद या समोद्भिद। तो क्या कहते हैं दोस्तों इनको, इनको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, लवणोद्भिद, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, भोजन बनाने की क्रिया होती है तो किसमें होती है, सभी पौधों में, हरे पौधों में, सूखे पौधों में या केवल जलीय पौधों में। तो दोस्तों आप अपना सही उत्तर मार्क कर लीजिए, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा अब। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधों में। अगला देखते हैं दोस्तों, संसार का सबसे लंबा पुष्प है। तो दोस्तों कौन सा है, टाइटन एरम, केवड़ा, केला या लैंटाना। तो दोस्तों अपना सही उत्तर आप मार्क कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइटन एरम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला प्रमुख रोग, तो मेरिस्मस, रतौंधी, किलोसिस या हॉसीमेटो। तो कौन सा होता है दोस्तों, आप अपना सही उत्तर मार्क कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेरिस्मस, ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों, हमारे भोजन में मुख्यतः होता है तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज या सुक्रोज। तो आप अपना सही ऑप्शन लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए भोजन में मुख्यतः ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे इस टाइप का अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए तो आप इसमें हमेशा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज सिलेक्ट कीजिएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है, गाजर, सेब, शहद या मूंगफली। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाजर, ठीक है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अगला देखते हैं, विटामिन बी की कमी से, बेरी बेरी। अगला देखिए, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, तो किस रूप में होता है दोस्तों, अपना सही ऑप्शन आप मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो अम्ल। अगला देखते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो आप अपना सही आंसर मार्क कर लीजिए, मोनोसैकेराइड बोला है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है देखिए यहाँ पे शकरकंद है। तो शकरकंद क्या है दोस्तों, जड़, तना, पत्ती या बीज। तो आप अपना सही उत्तर मार्क कर लीजिए जल्दी से, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, शकरकंद एक जड़ है, ठीक है।
अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अनाज नहीं है, तो बताना है आपको कि इसमें से कौन सा अनाज नहीं है। तो दोस्तों कौन से उत्तर हो जाएगा आपका, मक्का, गेहूं, ज्वार, दाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दाल, क्योंकि ये तीनों क्या है, अनाज है और दाल अनाज नहीं है। घटपर्णी होता है, तो घटपर्णी क्या होता है, कीट भक्षी, सहजीवी, आत्मपोषी या परजीवी। सही आंसर मार्क कर लीजिए दोस्तों अपना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कीट भक्षी। आप अपना आंसर मार्क करते जाइए और अपना नंबर भी जोड़ते जाइए। स्वयं भोजन बनाने वाले जीव कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, सहजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या परपोषी। ये तो बहुत ही आसान है, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, संतुलित आहार में पोषक तत्व होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण या उपयुक्त सभी। तो संतुलित आहार की बात की जा रही है, तो संतुलित आहार में आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही बोला आपने, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट है। देखिए मॉक टेस्ट करने से क्या होता है कि हम लोग के अंदर एक तो पहली बात तो स्पीड आ जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड ये हो जाती है कि क्वेश्चन को देखते ही हमें उसका आंसर बता देना है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि हमारी प्रैक्टिस भी होती रहती है फिर, और कम समय में हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। दोस्तों जल्दी से जोड़ लीजिए अपना, जितना भी नंबर आपने पाया हुआ है, जितने भी अंक आपने पाए हुए हैं, उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपने कितने नंबर पाए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ने लगभग लगभग सारे प्रश्नों को कर लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट कीजिए और लाइक जरूर दबाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।